नमस्ते बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे प्रेमचंद और उनके उपन्यास साहित्य पर। उपन्यास सम्राट के रूप में प्रसिद्ध प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य को एक विशिष्ट दिशा प्रदान की। डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा जी के संबंध में कहना है कि प्रेमचंद जी हिंदी के प्रथम सर्वोत्कृष्ट मौलिक लेखक थे। उन्होंने हिंदी पाठकों की अभी रुचि को चंद्रकांता के गर्त से निकालकर सुदृढ़ साहित्यिक नींव पर स्थिर किया। प्रेमचंद जी ने समाज के असाधारण वर्गों की ओर से दृष्टि हटाकर मध्यम तथा निम्न श्रेणी के लोगों की नित्य प्रति की समस्याओं की ओर हिंदी पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया। किसान, मजदूर, क्लर्क, दुकानदार, जमींदार, साहूकार, पूंजीपतियों से संघर्ष का जैसे जीवित रूप प्रेमचंद जी ने चित्रित किया है, वैसा उससे पहले हिंदी साहित्य में कभी नहीं हुआ। धीरेंद्र वर्मा जी की बात बिल्कुल सटीक बैठती है। एक अभावग्रस्त जिंदगी से निकलकर किस तरह उन्होंने उपन्यास सम्राट की पदवी हासिल की, तो इसके लिए हम उनके पहले व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में लमही नामक गांव में हुआ था। उनके पिता डाकखाने में नौकरी करते थे तथा उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। 8 वर्ष की अल्पावस्था में ही उन्हें मातृवियोग सहन करना पड़ा था। उसके बाद पिता ने दूसरा विवाह कर लिया और सौतेली माँ के कटुतापूर्ण व्यवहार से वो पारिवारिकता से दूर होते चले गए। इनके परिवार में उर्दू पढ़ने की प्रथा थी, अतः आरंभ में इन्हें भी उर्दू की शिक्षा दी गई और आगे चलकर इन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। प्रेमचंद जी ने छोटी आयु में ही लेखनी ग्रहण कर ली। सन 1901 में अर्थात 21 वर्ष की अवस्था में ही उनका पहला उपन्यास लिखना उन्होंने प्रारंभ किया, जो 1902 में पूर्ण हुआ। 1904 में दूसरा उपन्यास प्रकाशित हुआ। दूसरी और उनकी कुछ कहानियाँ जमाना में निकली। उनकी 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन 1909 में छपा, जिसमें स्वराज की प्रेरणा होने के कारण सरकार ने जब्त कर लिया। आगे चलकर वे हिंदी में लिखने लग गए। मुंशी प्रेमचंद जी इतने बड़े लेखक होते हुए भी दरिद्रता में जन्मे, दरिद्रता में पले और दरिद्रता से ही जूझते जूझते समाप्त हो गए। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों के प्रति पूरा विद्रोह तीव्र रूप में अपनी लेखनी में चलाया और यह इसी से स्पष्ट है कि उन्होंने अपना दूसरा विवाह एक विधवा के साथ किया। उन्होंने अपने को सदा एक मजदूर समझा। उनके प्रमुख उपन्यासों पर बात करें तो वरदान 1902 में उनका पहला उपन्यास था, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान और मंगलसूत्र। इनका संक्षिप्त परिचय के रूप में हम अगर बात करें, इनकी साहित्यिक योगदान के बारे में अगर हम बात करें, तो प्रेमचंद जी की कुछ बिंदुओं के आधार पर हम इसे अपनी बात को कहना चाहेंगे। जैसे सबसे पहला बिंदु उठाते हैं कि साहित्य जीवन की कला है। इनके दृष्टिकोण में इस बात को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि प्रेमचंद ने कला की ज़रूरत और उसके विधायी तत्वों की बात करते हुए एक जगह लिखा कि हमें उस कला की आवश्यकता है जिसमें कर्म का संदर्भ हो। इसके लिए उन्होंने कला के मानदंडों की चर्चा करते हुए 3 तत्वों को महत्वपूर्ण माना, सौंदर्य वृत्ति की पुष्टि, दूसरा आध्यात्मिक आनंद और तीसरा उपयोगिता की चर्चा। गौरतलब चीज़ है कि सौंदर्य और आनंद के साथ उसकी उपयोगिता की भी चर्चा की।
उनके लिए उपयोगिता अनैतिक वस्तु न होकर मानव व्यवहार को ऊर्जा देने के साधन के रूप में थी। दूसरा बिंदु देखते हैं, साहित्य जीवन की आलोचना है। देखिए किस तरह है उन्होंने साहित्य को जीवन के आधार से जोड़ा है। समीक्षात्मक रूप में, आलोचनात्मक रूप में वो रखते हुए कहते हैं कि साहित्य को मन को गुदगुदाने, विलासिता की वस्तु न मानकर उसे जीवन की नीति और मूल्यगत गंभीर चिंताओं से जोड़ा और कहा कि हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि हम और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। इस प्रकार उन्होंने ये स्पष्ट किया कि साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। जहाँ ज्ञान और उपदेश असफल होता है वहीं साहित्य बाजी मार ले जाता है। चलिए अगले बिंदु के रूप में देखते हैं हम कि साहित्य का उद्देश्य क्या है। इस पे प्रकाश डालते हुए प्रेमचंद जी कहते हैं कि वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उन्हें मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। उनका कहना है कि साहित्यकार का लक्ष्य जो है वो देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलना नहीं, बल्कि अगवा करके उसके मशाल के रूप में लेकर चलना है। साथ ही इसमें उन्होंने जोड़ा कि साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है, यह तो भाटों और मदारियों, विदुषकों और मस्खरों का काम है। साहित्यकार का पद इससे कहीं ऊँचा है। वह हमारा पथ प्रदर्शक होता है। वह हम में मनुष्यत्व का भाव जगाता है, हमें सद्भावों का संचार करता है, हमारी दृष्टि को फैलाता है। कम से कम उसका उद्देश्य यही होना चाहिए। साहित्यकार का कर्म, इस पे प्रकाश डालते हुए प्रेमचंद जी कहते हैं कि साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है। प्रगतिशीलता साहित्यकार का स्वभाव है तो उसका कर्म क्या होगा फिर? अब वो कहते हैं कि साहित्यकार पैदाइश से ही सौंदर्य का उपासक होता है। यह जीवन के हर अंग में, जिंदगी के हर एक शोबे में हुस्न का जलवा देखना चाहता है। अब देखिए यहाँ उन्होंने सौंदर्य की क्या परिभाषा दी है कि सौंदर्य क्या है। सौंदर्य का उपासक है साहित्यकार, पर सौंदर्य है क्या? इसका जवाब वो कहते हैं कि जहाँ सामंजस्य या हम आहंगी, वह सौंदर्य है, वही सत्य है, वही हकीकत है। जिन तत्वों से जीवन की रक्षा होती है, जीवन का विकास होता है, वही हुस्न है। वह वास्तव में हमारी आत्मा की बाहरी सूरत है। हमारी आत्मा अगर स्वस्थ है तो वह हुस्न की तरफ बेख्तियार दौड़ती है। हुस्न में उनके लिए न रुकने वाली कशिश है। एक झटके में वह सौंदर्य के मूल को पकड़कर उसे सत्य, हकीकत, जीवन, जीवन तत्वों और आत्मा से जोड़ देते हैं। यानी सामंजस्य बैठाना ही सौंदर्य है। चलिए अगले बिंदु पर बढ़ते हैं, भाषा शैली। साहित्य कर्म समाज के सरोकारों से जुड़ा था और उसी से साहित्य की विषय वस्तु निर्धारित होती है। उनकी अभिव्यक्ति के माध्यम भाषा के विषय में सरलता के आग्रही थे। उनके समय में हिंदी, हिंदुस्तानी और उर्दू पूरी तरह से अपने विवाद में थी, पर वे हिंदी और उर्दू के प्रचलित लोक सुलभ सरल शब्दों से बनी हिंदुस्तानी के पक्षधर थे। इस विवाद से इतर उन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी के आग्रही मित्रों को भाषाई कृत्रिमता के खिलाफ आगाह किया और कहा, अपने हिंदू दोस्तों से भी मेरा यह नम्र निवेदन है कि जिन शब्दों ने जन साधारण में अपनी जगह बना ली है और उन्हें लोग अपने मुंह या कलम से निकलते ही समझ जाते हैं, उनके लिए संस्कृत कोश की मदद लेने की जरूरत नहीं है। अप्रचलित शब्दों को लिखने का रिवाज भी भाषा को अकारण ही कठिन बना देता है।
वैसे भी गूढ़ता साहित्य की सरसता ही राह में रोड़ा बन जाती है। उनके अनुसार जनता उन्हीं रचनाओं का आदर का स्थान देती है जिनकी विशेषता उनकी गूढ़ता नहीं उनकी सरलता होती है। प्रेमचंद केवल समाज, यथार्थ और मूल्यों तक सीमित न रहते हुए पाठकों की नब्ज पर अंगुली रखते हैं। एक और बिंदु हम देखते हैं, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। आलोचकों ने प्रेमचंद के यथार्थ और आदर्श के सरोकारों को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का नाम दिया। यद्यपि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसे स्वीकार नहीं किया। रामविलास शर्मा सिद्धांत में आदर्शवाद और व्यवहार में यथार्थवाद की संगति को स्वीकारते हैं। इसी क्रम में प्रेमचंद यथार्थवाद के समर्थक थे, पर अंधभक्त नहीं। साहित्य का काम समाज में मौजूद शोषण, बुराइयों, भेदभाव और गरीबी को दिखाना है। इसके लिए यथार्थवाद का सहारा लेता पड़ता है, पर यदि वह केवल इसी तक सीमित रहता है तो साहित्य बेचैनी पैदा करने में सफल हो जाता है, पर एक सीमा के बाद वह पाठकों को अंधेरे की दीवार से टकरा देता है। इसी के चलते प्रेमचंद ने साहित्य से सरलता के साथ सरसता से भी जोड़ा है। कहानी के संदर्भ में बात करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ तो सरलता में सरसता पैदा कीजिए, यही कमाल है। प्रेमचंद का आदर्शोन्मुख यथार्थवाद देखने में विरोधाभासी लग सकता है, पर है नहीं। सच्चे साहित्य का काम ही सामंजस्य बैठाना होता है। प्रेमचंद भी उसी की वकालत कर रहे हैं, जो है उसे दिखाने की और क्या होना चाहिए उसे बताने की बात कर रहे थे। इस प्रकार प्रेमचंद जी के साहित्य पर हम दृष्टि डालें, उनके निष्कर्ष रूप में देखें उनके योगदान को, तो वो एक नई दिशा देता हुआ, साहित्य को एक नई दिशा देता हुआ, एक ऐसी परंपरा की ओर ले जाता हुआ है जिसमें यथार्थवाद और आदर्शवाद को किस तरह निर्वाहित किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में अगर हम देखें तो कहते हैं, अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख, सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद जी से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। झोंपड़ी से लेकर महलों तक, खोमचे वालों से लेकर बैंकों तक, गांव से लेकर धारा सभाओं तक आपको इतने कौशल पूर्वक और प्रामाणिक भाव से कोई नहीं ले सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीयता का जैसा व्यापक स्वरूप, अपने राष्ट्र की समस्याओं का जैसा गंभीर चित्रण, अपने युग का जैसा सच्चा इतिहास प्रेमचंद में मिलता है, वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। और इसीलिए प्रेमचंद जी एक ऐसे सूर्य की भांति है जो पूरे साहित्यिक आकाश में टिमटिमाते रहे हैं और टिमटिमाते रहेंगे। आभार।